एपी से यानी समानांतर श्रेणी से महत्वपूर्ण प्रश्न है, यदि एक एपी का n-वां पद 5n+3 है तो सार्वअंतर का मान कितना होगा? ऑप्शन है 10, 5, 8 और 7। बहुत इजी क्वेश्चन है। सार्वअंतर होता है एपी के लिए कोई भी बाद वाली पद में से ठीक उसके पहले वाली पद को घटा दीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, n-वां पद दिया हुआ है, एक n का मान आप 1 रखकर पहला पद निकाल लीजिए, 2 रखकर दूसरा पद निकाल लीजिए और फिर दूसरे पद में से पहला पद को घटा दीजिए, आपको सार्वांतर प्राप्त हो जाएगा। सार्वांतर सबसे पहले चूंकि n-वां पद है 5n+3 इसलिए a1 निकाल लीजिए, हालांकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी हो सकता है, इससे आपको हल से फायदा भी होगा। 1 रख दीजिए, 5×1+3 तो 5+3 कितने हो गए 8, एवं n का मान 2 रख दीजिए, दूसरा पद हो जाएगा 5×2+3 यानी 10+3 13। तो आपके पास दूसरा पद भी है और पहला पद भी है, इस तरह से आपको डी के सार्वअंतर के मान प्राप्त करने हैं। याद रखिए पहला पद 8 है, दूसरा पद 13 है, यदि दोनों पद प्राप्त हो गया तो फिर दूसरे पद में से पहला पद को घटा दीजिए यानी 13 में से 8 को घटा दीजिए, आपको कितना होगा 5। देखिए इसलिए डी सार्वांतर है, डी दूसरा पद माइनस पहला पद यानी 13 - 8 5, जो ऑप्शन बी सही है। अतः ऐसे प्रश्न एपी से n-वां पद दी गई हो, सार्वांतर का मान प्राप्त करने हो तो आप n के कोई भी मान रखकर प्राप्त कर लीजिए और ठीक उसका अगला मान रखकर प्राप्त कर लीजिए, यानी दो मान आप निकाल लीजिए और ठीक बड़े वाले यानी अगली संख्या में से उसकी पहले वाली संख्या को घटा दीजिए, सार्वांतर का मान प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसी प्रश्न के साथ क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। ये प्रश्न अगले वर्ष यानी 2024 में मैट्रिक परीक्षार्थियों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है, अतः इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से प्रतिदिन आप महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने के लिए, उनके सर्व को सीखने के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर लें, ऑल बटन चूज करें ताकि हमारे द्वारा प्रतिदिन दिए जाने वाले हर प्रश्न आप तक पहुंच सके और आपकी परीक्षा की बेहतरीन तैयारी हो सके और आप अच्छे अंक से पास हो सके। चलिए इसी ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।